दोस्तों गिरिडीह झारखंड के एक प्रशासनिक जिला है जिसका मुख्यालय गिरिडीह में है। गिरिडीह जिसके नाम में ही छिपी है इसकी पहचान, गिरि पहाड़ों को दर्शाती है और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ पारसनाथ यही मौजूद है। उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के लगभग मध्य भाग में स्थित है, जिसके उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा जिले, पूर्व में देवघर और जामताड़ा, दक्षिण में धनबाद और बोकारो तथा पश्चिम में हजारीबाग एवं कोडरमा जिला है। गिरिडीह जिले में चार अनुमंडल है, गिरिडीह सदर, खोरी महुआ, बगोदर सरिया और डुमरी है। गिरिडीह जिला 13 तहसीलों में बटा हुआ है। गिरिडीह, गांडे, बेंगाबाद, पीरटाड़, डुमरी, बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार, जमुआ, देवरी, तिसरी और गांवा इत्यादि है। गिरिडीह जिला का कुल क्षेत्रफल 4854 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार गिरिडीह जिला की जनसंख्या करीब 24,45,774 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 12,58,098 है और महिलाओं की संख्या 11,87,376 है। गिरिडीह जिला की आधिकारिक भाषा हिंदी, खोरथा, संथाली, नागपुरी, उर्दू इत्यादि है। यहाँ हिंदुओं की आबादी करीब 68% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 30% है तथा अन्य 2% है और यहाँ का साक्षरता दर लगभग 63.14% है। यह जिला रूबी, अभ्रक और कोयला जैसे खनिजों के लिए भी प्रसिद्ध है। झारखंड के इस जिले में बड़े पैमाने पर मीका पाया जाता है, जो कि न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह ज़्यादातर तिसरी और गांवा ब्लॉकों के पास पाया जाता है। गिरिडीह जिला का इतिहास। गिरिडीह जिला पहले हजारीबाग जिले का हिस्सा था। इसे 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से बनाया गया था। यह शहर छोटा नागपुर पठार में स्थित है। पूरे क्षेत्र में घने वन, वनस्पति और पहाड़ी तलों से ढका हुआ है। यह क्षेत्र बसे हुए कई जनजातीय समुदायों के अधीन था। आज़ादी से पहले क्षेत्र हजारीबाग का हिस्सा था। मुंडा इस जनजातीय भूमि के पारंपरिक शासकों थे। गिरिडीह जिले में कई लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है, जो सैलानियों के लिए कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण विकल्प प्रदान करता है। यह क्षेत्र कई आकर्षक प्राकृतिक स्थलों के साथ बिखरा हुआ है। यह क्षेत्र कई भक्ति स्थानों का केंद्र भी है, जो साल भर देखने के लिए सैलानियों का भीड़ लगा रहता है। शहर में जाने के लिए कुछ लोकप्रिय स्थान हैं, जैसे पारसनाथ हिल, उसरी फॉल्स, खंडोली डैम, लंगटा बाबा समाधि, हरिहर धाम, दुखिया महादेव, झारखंड धाम, श्री कबीर ज्ञान मंदिर, सूर्य मंदिर इत्यादि है। गिरिडीह के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जो गिरिडीह को आगे बढ़ाने में काफ़ी अग्रसर है, जैसे कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, सुभाष पब्लिक स्कूल, गिरिडीह कॉलेज, आरके महिला कॉलेज, वंचल कॉलेज, लंगटा बाबा कॉलेज, खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यादि है। दोस्तों
अब बात आती है गिरिडीह कैसे पहुँचे। दोस्तों फिलहाल यहाँ हवाई अड्डा नहीं है, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा रांची में है जो कि गिरिडीह से 155 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल और सड़क मार्ग के माध्यम से भी यह शहर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।